जय श्री राम। प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि देव को कैसे प्रसन्न करें, क्या उपाय हैं उनके प्रसन्न करने के लिए। तो अगर आपके ऊपर शनि देव की 2.5 साल की ढैया चल रही हो या 7.5 ही चल रही हो, तो ऐसे में आप उनको कैसे प्रसन्न करें, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली ऐसे धार्मिक वीडियो डालती हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले प्रत्येक शनिवार को वट एवं पीपल के वृक्ष तले कड़वे तेल का दीपक यानी सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करके शुद्ध दूध धूपादि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद काली गौ की सेवा भी हमें करनी चाहिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और काली गाय के शीश पर मतलब सिर पे रोली लगाकर और उनके सींगों में मौली बांधकर धूप आरती करनी चाहिए। फिर परिक्रमा करके गाय को बूंदी के 4 लड्डू खिला दें। शनिवार को बंदरों और काले कुत्तों को भी लड्डू खिलाने चाहिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चोकरयुक्त आटे की 2 रोटी लेकर एक पर तेल चुपड़ दे, दूसरे पर घी। तेल वाली रोटी पर थोड़ा मिष्ठान लगा कर रख कर काली गाय को खिला दे, फिर घी वाली रोटी खिला दें। तत्पश्चात शनिदेव से सुख शांति हेतु प्रार्थना करें। प्रत्येक शनिवार बंदर को केला, मिठाई, खील, गुड़ एवं काले चने जरूर दें। काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार तेल चुपड़ी रोटी मिष्ठान रखकर अवश्य खिलाएं, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री शनिदेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।